गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में सबसे पहले उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका प्रूफ पढ़ेंगे। प्रूफ के बाद हम प्रोफेशनल तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और ट्रिकी मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो बारी बारी सबको सीखेंगे। सबसे अलजेब्रा में हम किसके साथ एक्स वाई जेड ए बी सी डी टी सी जितने भी नंबर क्या है वेरिएबल है, प्लस ये वेरिएबल हो गए, प्लस कॉन्सोनेंट कॉन्स्टेंट जितने कॉन्स्टेंट हैं उन कॉन्स्टेंट को एक ऑपरेटर के साथ ऐड कर देते हैं। ऑपरेटर के साथ ऐड कर देंगे, ऑपरेटर क्या होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा। इन ऑपरेटर को ऐड करने के बाद या फिर इन कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में चाहे मल्टीप्लाई करके या फिर ऐड करके या फिर सबट्रैक्ट करके हम इन ऑपरेटर को लगा के एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं जिसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, तो या उस चीज़ को हम एल्जेब्रिक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं या फिर कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पहले उसे पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन में हर बार आता है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू, या फिर मान लीजिए सबसे पहले वन ले लें, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, जनरली टू या थ्री, टू हो या फिर थ्री हो, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू या फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये एग्जाम में दिया होता है। और क्वेश्चन क्या पूछता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसकी प्रूविंग पढ़ेंगे, प्रूविंग पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन को हम प्रोफेशनल तरीके से सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ट्रिकी मेथड से भी सॉल्व करेंगे जिसे हम शॉर्टकट मेथड के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रूफ क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के, ये क्या है, गिवेन है, हमारा प्रूफ चल रहा है। प्रूफ में क्या है, गिवेन एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू गिवेन है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रूफ करना है या फिर फाइंड करना है, दोनों, फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है या फिर इस चीज़ को प्रूफ करके हमें एक फॉर्मूला लाना होता है, क्या, के स्क्वायर माइनस टू, तो हमको इसकी सहायता से ये फॉर्मूला लाना है। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब देखिए ये जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हमारे फॉर्मूला में कहाँ आता है, तो वो आता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब देखिए स्क्वायर यहाँ से हमारा ये आया हुआ है, तो इसको अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स इस तरह से लिखें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, ये कट जाएगा लास्ट में, टू बचेगा। तो देखिए अब इस चीज़ हमारा ये कहाँ ये मैच कर रहा है, तो मतलब हमें ये सूत्र ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो ये फॉर्मूला को हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के, ये दिया हुआ है, गिवेन है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के का स्क्वायर, तो सेम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर, या फिर एक्स एक्स करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस टू। देयरफॉर अब देखिए यही हमारा फॉर्मूला हो गया, समझ में आ रहा है, या फिर इसको हम ट्रिक कह सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को हम इस प्रोफेशनल मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसकी वैल्यू हमारी आ गई है के स्क्वायर माइनस टू, जो प्रूफ करना था यहाँ पे ये के स्क्वायर माइनस टू में लाना था तो ये आ गया। तो ये देख लिया ये के स्क्वायर माइनस टू कैसे आ रहा, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। अब आइए क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये के है, ये के तो हमारा आया, तो फिर
पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। कुछ लोग इसी को प्लस वी ई लिखते हैं, इसको माइनस वी ई, तो जो भी कहिए, अगर के हमारा पॉजिटिव हो या फिर के हमारा निगेटिव हो, तो उन दोनों केस में हमारा ये सॉल्यूशन चलेगा। तो जैसे मान लिया कि क्वेश्चन लिख लिया हमने एक्स प्लस वन बाई एक्स इज्कल टू वन, प्लस वन माइनस वन, फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स इज्कल टू प्लस टू माइनस टू, फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स इज्कल टू प्लस थ्री माइनस थ्री, फिर उसके बाद एक्स प्लस वन बाई एक्स इज्कल टू प्लस फोर माइनस फोर, फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स इज्कल टू प्लस फाइव माइनस फाइव। अब देखिए ये जो प्लस वन और माइनस वन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम प्लस वन लेके सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट इसको ये लेते हैं, फिर सेकंड में हम इसे सेकंड में हम क्या लेते हैं, माइनस वन लेते हैं। तो प्लस अगर ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले प्लस लेके सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद माइनस लिखा हुआ तो माइनस लेके सॉल्व करेंगे, मतलब कि प्लस हमारा फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन चलेगा, माइनस हमारा सेकंड स्टेप में सॉल्यूशन चलेगा। तो आइए सबसे पहले इससे लेके चलते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज्कवल टू प्लस वन मान लिया लिखा हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज्कवल टू क्वेश्चन है, तो हमें फाइंड करना है। तो क्या जानते हैं, वी नो दैट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन बाई एक्स गिवेन, एक्स प्लस वन बाई एक्स यहाँ लिखा हो, गिवेन यहाँ लिख दे, गिवेन एक्स प्लस वन बाई एक्स इज्कवल टू वन है। अब देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऐसे लिखते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो हमने क्या पाया, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज्कवल टू प्लस वन का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इज्कवल टू वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज्कवल टू टू, सॉरी प्लस टू इज्कवल टू वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज्कवल टू टू माइनस, सॉरी वन माइनस टू बराबर हमारा क्या आ गया, माइनस वन आंसर, एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। हो गया। अब इसमें एक बात और याद रख ली, ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा प्रोफेशनल मेथड है, प्रोफेशनल मेथड या फिर कह लें इसको लॉन्ग मेथड। अब यहाँ पे आते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड या फिर कह लीजिए ट्रिकी मेथड, ट्रिकी मेथड, लॉन्ग मेथड या फिर जनरल मेथड होता है। तो ये सॉल्व में आ गया। अब देखिए शॉर्टकट मेथड हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर माइनस टू। अब देखिए यहाँ पर के स्क्वायर टू वन गिवेन है, गिवेन है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वन के स्क्वायर माइनस टू, तो स्क्वायर टू वन माइनस टू स्क्वायर टू माइनस वन आंसर, तो ये हो गया। अब देखिए प्लस वन लेके चले हैं, अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, माइनस वन लेके चलना है, तो प्रोफेशनल मेथड में इसी को माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे माइनस वन कर देंगे, फिर ये माइनस वन का इंटू माइनस वन करें तो हमारा प्लस आ जाएगा, तो आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर के इज्कवल टू माइनस वन है, ठीक है के इज्कवल टू माइनस वन है, तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो बराबर वन आएगा, वन माइनस टू माइनस वन आ गया। तो मतलब कि ये हमारा प्लस वन हो या फिर माइनस वन हो, जब ये दिया, ये अगर पूछे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो उस केस में हमारा हमेशा माइनस वन आएगा, कब, जब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर टू माइनस वन हो। अगर हम सेकेंड स्टेप उठा लें, ये पहला था, अब दूसरा स्टेप उठा लें ये वाला, तो यहाँ पे अगर हम टू कर देंगे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, ये हम टू का स्क्वायर कर देंगे, टू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, फिर यहाँ पे फोर हो जाएगा, फिर यहाँ पे फोर माइनस टू, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आंसर आ जाएगा। ठीक उसी तरह के इज इक्वल टू टू रखेंगे यहाँ पे,
ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2, तो आंसर हमारा 2 आ गया। तो ये प्रोफेशनल मेथड हो गया, ये शॉर्टकट मेथड हो गया। शॉर्टकट मेथड हमारा कितने लाइन में सॉल्व हो रहा है, इतने में। जो लॉन्ग कट मेथड है हमारा इतना पूरा लंबा ले रहा है। तो आपको लॉन्ग कट मेथड एक कॉपी में लिखिए और शॉर्टकट मेथड अगले कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस करिए। आप जब तक ये प्रोफेशनल तरीके से मैथ को नहीं पढ़ेंगे, आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते रह जाएंगे साल 2 साल हर एग्जाम में, लेकिन आपको भूलता जाएगा। तो सबसे पहले हम यही सुझाव देंगे कि आप पहले प्रोफेशनल मेथड प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, हर चीज़ को जानने लगेंगे, उसके पीछे छुपा हुआ तर्क लॉजिक क्या है, उसका थीम समझ जाएंगे, वो कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप प्रोफेशनल तरीके से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को बारीकी से समझ पाएंगे, उसमें क्या कह रहा है वो पकड़ पाएंगे, उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। जब आप इसमें फॉरवर्ड हो जाएंगे तो शॉर्टकट मेथड आप तुरंत दौड़ के लगाएंगे, केवल ये 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा। आप तुरंत रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे, तुरंत आंसर आएगा, 2 से 3 सेकंड का आंसर है। ठीक इसी तरह हम चलते हैं -2 लेके चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 2 4 4 आ जाएगा, उस हिसाब से हमारा ये यही आएगा आंसर। ठीक उसी तरह k² -2 कर दिया हम, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, +4 क्यों, देखिए -2 × -2 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, 2 2 का मल्टीप्लाई 2 × 2 क्या हो जाएगा, +4। तो मतलब -2 - -2 की वैल्यू हमेशा +4 आ रही है, तो यहाँ पे -2 - -2 = 4 हो गया। ठीक उसी तरह -2 - -2 = 4, -2 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिखेंगे, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, 2 × 2 = 4, तो ये आ गया आंसर। बात आती है अगर यहाँ पे 3 हो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये 9 होता है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा, तो ये 9 - 2 हो जाएगा, इसको ऐसे लिखे चलिए, 9 - 2 हो जाएगा, 9 - 2 ये 7 आ गया। ठीक उसी तरह इसमें देखिए k² = 3 है, तो 3 के स्क्वायर कर दीजिए, 3 के स्क्वायर हमारा 9 आ गया, 9 - 2 करेंगे तो हमारा 7 आ गया। मतलब आप लॉन्ग कट प्रोफेशनल मेथड से देख लीजिए और शॉर्टकट मेथड से देखिए, दोनों आंसर क्या हो रहा है, ये हमारा सॉल्व करने में शॉर्टकट 3 से 4 सेकंड ले रहा है, लेकिन ये हमारा कुछ टाइम लेगा। ठीक उसी तरह अगर -3 हो क्या करेंगे, -3 से रिप्लेस कर देंगे, इसको -3 हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है 9 आ गया, तो 9 - 2 = 7 आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर -3 से रिप्लेस करेंगे हमारा माइनस हो जाएगा, -3 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, 9 - 2 = 7 हो गया। अब बात आती है अगर इसकी जगह हमारा 4 हो तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 16 होता है, सब उसी तरह रहेगा, तो 16 तो ये भी 16 हो गया। अब 16 - 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 14 आ जाएगा। अब शॉर्टकट मेथड से देखिए, हमने यहाँ पे क्या रखा है, 4 रखा है, तो ये हमारा 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16 होता है, 16 - 2 करेंगे तो हमारा 14 आंसर आएगा। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड से देखिए, प्रोफेशनल मेथड से देखिए। अगर 4 की जगह -4 करेंगे तब क्या होगा, ये -4 का स्क्वायर, -4 4 16, बस अब वही चलेगा, वही 14 आंसर आएगा। यहाँ -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 - 2 = 14। तो प्रोफेशनल मेथड देखिए, प्रैक्टिस करिए, शॉर्टकट मेथड प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये प्रोफेशनल मेथड समझ में आ जाता है तो आप इस मेथड को आसानी से कर लेंगे। अब माइनस हो गया, अब यहाँ पे 5 देख लीजिए, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 5 में देखिए, 5 करने पर क्या हो जाएगा, तो हमारा ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारा 25 आता है, तो 25 - 2 करेंगे तो हमारा ये 23 हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये हमारा 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया, 25 में 2 घटाएंगे तो हमारा 23 आ गया। अगर -5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -5 रख के स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो -5 के स्क्वायर इसको लिखना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, -5 + 5 का 25, तो आंसर हमारा यही आएगा, 23 आएगा। अगर यहाँ -5 रखेंगे तो -5 का 25 - 23। तो हम यहाँ पे क्या देखा है कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, x + 1/x = k दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना, x² + 1/x² = क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि अगर x² + 1/x² है तभी ये वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा।
अगर यहाँ पे क्यूब हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इसको टू क्वेश्चन, तो ये जो फॉर्मूला है ये बदल जाएगा, ये जो फॉर्मूला है के स्क्वायर माइनस टू ये हमारा बदल जाएगा। तो क्या करना है आपको, बस ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के केस में के स्क्वायर माइनस टू अप्लीकेबल होगा, क्यूब के लिए दूसरा फार्मूला होगा, एक्स पावर फोर के लिए दूसरा फार्मूला होगा, एक्स पावर फाइव के लिए दूसरा फार्मूला होगा। सब के लिए हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज केवल हमने लेक्चर बनाया है किसके, एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर दिया हुआ हो तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को निकालना है, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हमें निकालना है। दिया क्या हुआ, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के, क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव हो सकता है फिर निगेटिव हो सकता है। मैंने पॉजिटिव केस के लिए सॉल्व करके दिखा दिया है, निगेटिव केस में भी सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक उसी तरह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या दिखाएंगे कि एक्स क्यूब जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा वो हमारा हो जाएगा के इक्वल टू, जैसे क्या है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के दिया हुआ है, ठीक है, तो हम एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।